तो दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो कंपनीज हैं, कोई सा भी ब्रांड हो, स्मॉल या मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो लास्ट कितनी कंपनीज़ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है। कि सपोज आपके अगर चार कंपनी है, पांच कंपनी है, तो लास्ट वो कितनी कंपनीज़ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है, तो उसी पे आज बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त, मैं बता दूँ, जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो इसके बाद होता क्या है कि आपके अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वहाँ पे देते हो, अपना ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर वगैरह सारी चीज़ें आपने वहाँ पे सबमिट करी। अब अगर आप फ्रेशर हो तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपकी कंपनी वहीं से ही आपका BGV इनिशिएट करेगी। अगर आपने उसके पहले दो तीन चार कंपनी अगर छोड़ रखी हैं, तो उस केस में करता क्या है कि कंपनी पहले आपके प्रीवियस दो एम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रीवियस दो कंपनीज़ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है। एक तो ये कंडीशन बनती है। अब जब उन दो कंपनीज़ का, जो आपकी प्रीवियस कंपनी है, उन दो कंपनीज़ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जब होता है, अगर वो ओके हो गया यानी कि सारा कुछ ठीक रहा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उन दो कंपनीज में से किसी का रिप्लाई नहीं आया, किसी एक कंपनी का अगर रिप्लाई नहीं आया, तो कंपनी आपसे बोलती है आपकी जो प्रीवियस कंपनी है उसका हमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना है, आप मुझे उसकी डिटेल दो। बट जो फर्स्टली होता है वो मिनिमम टू कंपनीज़ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो करता ही करता है आपके ऑफ़र लेटर के टाइम, या हो सकता है कि ज्वाइनिंग के बाद होता है, क्योंकि ऑफ़र लेटर तो आपको पहले आ जाता है मेल पे। तो जब आप ज्वाइन करने जाते हो यानी कि जब आपकी ऑनबोर्डिंग होती है उस कंपनी में, तब क्या होता है, तब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट किया जाता है। अब आपकी जॉब हो जाती है रिस्की वहाँ पे, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया हुआ है, अगर कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट अगर सबमिट किया हुआ है, तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अगर आप अपने एंड से ओके हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट आप कम से कम तीन कंपनीज़ के लिए रेडी तो रहो। मैं दो का तो 100% बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता ही होता है, बट आप मिनिमम तीन कंपनीज़ का मान के चलो, ABC, यानी कि आपने जो पहले चेंज करी वो ए, दूसरी करी बी, तीसरी करी सी, तो आपकी लास्ट तीन कंपनीज़ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आप मान के चलो वो होगा ही होगा। और अगर इससे ज़्यादा भी आपने चेंज करी हैं, जैसे फोर्थ भी और फिफ्थ भी करी है, तो फोर्थ तक जाएंगे जब उनको कुछ ज़्यादा डाउट लगेगा तो फोर्थ तक जाएंगे। अगर फिफ्थ है तो फिफ्थ तक भी जाएंगे, वो इनिशिएट करेंगे। अब तीन के बाद चार पांच कंपनीज़ का आपका डेटा नहीं मिल रहा है, आपका उनको मेल पर रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपको दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो वो दो कंपनीज़ का ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ले के अगर उनके पास मेल पर प्रॉपर अपडेट आ गया और कॉल किया गया, वो सारी चीज़ें बता दी गई, उन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जो वेंडर होगा सारी चीज़ें अगर बता देंगी, क्लियर होंगी, तो दो कंपनीज़ का ही करके वो फिनिश कर देते हैं और आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे आ जाता है टिक मार्क, ऑल इज़ ओके। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है, बट सीधी सी बात है, लास्ट दो कंपनीज का आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन 100% मस्ट होता ही है। तो बस यार दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत, एंड बी सेफ।